बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.19। इस क्वेश्चन को बहुत गौर से, अच्छे तरीके से आपने देखना है, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की कंप्यूटेशंस हम लोग करेंगे जो कि आइंदा भी आपके काम आती रहेंगी जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। ये अपनी टाइप का एक अलग क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें डेटा की बाज रॉन्ग एंट्रीज हो गई हैं डेटा में, उनको डिलीट करके करेक्ट वैल्यूज़ को एंटर करना है और रॉन्ग वाली उस वैल्यूज़ को उसमें से माइनस करना है, और फिर करेक्टेड मेजर्स जो है हमें वो फाइंड आउट करनी होती हैं। सो द क्वेश्चन इज, अ कंप्यूटर कैलकुलेटेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशन एज 42 एंड 5। 20 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन 42 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट इट हैड कॉपीड डाउन टू वैल्यूज एज 45 एंड 38, वेयर एज द करेक्ट वैल्यूज वर 35 एंड 58। कंप्यूटर में एंटर कर दी गई हैं दो वैल्यूज, 45 एंड 38। 20 वैल्यूज में से, यानी कि 18 तो ठीक थी, लेकिन दो वैल्यूज 45 और 38 जो एंटर हुई हैं ये रॉन्ग हैं, जबकि दुरुस्त वैल्यूज जो हैं, करेक्ट जो हैं, वो 35 और 58 थी। फाइंड करेक्ट वैल्यूज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, देन फाइंड करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हमने अब इन वैल्यूज को, रॉन्ग वैल्यूज को निकालना है और करेक्ट वैल्यूज को एंटर करना है, और दोबारा से हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करने हैं, और फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करेक्ट वाला फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें एन जो है वो 20 गिवन है हमारे पास, और वाई बार जो कि इनकरेक्ट है वो 42, और वाई एस स्क्वायर वेरियंस जो है वो 25। ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं क्योंकि इनमें रॉन्ग वैल्यूज एंटर हुई हुई हैं। इनकरेक्ट या रॉन्ग वैल्यूज जो हैं वो 45 एंड 38 हैं, एंड करेक्ट वैल्यूज जो हैं वो 35 एंड 58 हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेक्ट इन करेक्टेड मीन फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए पहले हम इनकरेक्ट मीन लेंगे जो कि 42 गिवन है। इस मीन से वाई बार हमें पता है सम ऑफ वाई ओवर एन के इक्वल होते हैं, हम लोग इनकरेक्ट सम फाइंड आउट करेंगे। सो 45 इंटू 20 करने से हमारे पास सम ऑफ वाई आ जाएगा जो कि 840 है, जो कि इनकरेक्ट है। इस सम में, 20 वैल्यूज के सम में, ये दो रॉन्ग वैल्यूज थी, इनको हम माइनस कर देंगे और करेक्ट वैल्यूज को ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास करेक्टेड सम आ जाएगा जो कि 850 होगा। रॉन्ग वैल्यूज को माइनस करने से दोनों को, टोटल सम में से 840 में से, और करेक्ट वैल्यूज को ऐड करने से, तो वाई बार हमारे पास आ जाएगा 42.5। अब हम लोग वेरिएंस की तरफ आते हैं, करेक्टेड वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस का फॉर्मूला हमें आता है, ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है। इसमें हमने सम ऑफ वाई ओवर एन की वैल्यू तो डायरेक्ट पुट कर दी हमें, और एस स्क्वेयर की वैल्यू भी हमें गिवन थी क्वेश्चन में 25, जो कि रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, वो भी हमने पुट कर दी। अब हमें असल में चाहिए सम ऑफ वाई स्क्वेयर, ठीक है। इसके लिए हम सोल्यूशन करेंगे, ये हम करेक्टेड फाइंड आउट कर लें तो दोबारा एस स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो हम सम ऑफ वाई पुट करेंगे, क्योंकि सारा एस स्क्वायर ही इनकरेक्ट है, यहाँ पे हम सम ऑफ वाई इनकरेक्ट वाला, रॉन्ग वाला पुट करेंगे, ठीक है। और बाद में जब एस स्क्वायर कलेक्टेड फाइंड आउट करेंगे तब हम करेक्ट वाला सम ऑफ वाई पुट करेंगे जो कि 850 आता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो फिर इसको हमने सॉल्व किया है, और सम ऑफ वाई स्क्वेयर इस तरह से सोल्यूशन करके हमारे पास अनकरेक्टेड जो है, इनकरेक्टेड जो है वो 35,780 आ गया। अब करेक्टेड सम ऑफ वाई स्क्वेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग वैल्यूज़ के स्क्वेयर्स को माइनस कर देंगे और करेक्ट वैल्यूज़ के स्क्वेयर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ स्क्वेयर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जो टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स आया है इनकरेक्टेड रॉन्ग, उसमें से रॉन्ग वैल्यूज के स्केयर्स को माइनस करना है और करेक्ट वैल्यूज के स्केयर्स को ऐड करना है, जिससे हमारे पास करेक्टेड सम ऑफ स्केयर्स आ जाएगा 36,900। अब यहाँ लाके हमने दोनों करेक्टेड सम ऑफ स्केयर्स और करेक्टेड सम ऑफ वाई पुट किए हैं एस स्केयर के फॉर्मूले में, और हमारे पास एस करेक्टेड जो है वो 6.225 आ गया है। अब हम लोग कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन में ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद एस भी करेक्टेड और वाई बार भी करेक्टेड, हमारे पास करेक्टेड कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन 14.65% आ गया है।